टुंडल साहब, आप ओवरलैंड एस्केप के ओनर हैं, आपको ये जो मेला यहाँ पर लगा है, फेयर लगा हुआ है, उससे कितनी उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, एक्चुअली इस साल उम्मीदें काफ़ी है। एक्चुअली लास्ट ईयर लॉकडाउन रहा और लोग कहीं ट्रैवल कर नहीं पाए, और जितने भी आउटबाउंड है या फॉरेन कंट्रीज से वो सारे बंद है। तो अब समर के लिए अगर हम सोचेंगे तो सिर्फ हमारे देश में जो है सिर्फ लद्दाख ओपन है, तो उस हिसाब से जो है इंक्वायरीज भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स आए हैं, तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा है कि इस साल सीज़न अच्छा जाएगा। अगर कोई आगे से कोई केसेस में अगर इंक्रीज नहीं होता है या कोई लॉकडाउन का सिचुएशन ऐसा कुछ अगर नहीं आता है, तो मेरे ख्याल में लद्दाख का सीज़न बहुत अच्छा जाएगा इस साल। इस बार क्या टूरिज्म जो पिछली बार जो नहीं आ पाया, तो इस बार पहले से ज़्यादा उम्मीद होगी, उम्मीद कर सकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली कुछ दिन पहले, अगर आप कुछ दो तीन हफ्ते पहले जो है स्टार्ट हो गया, उसके कारण जो है थोड़ा सा इंक्वायरीज में थोड़ा सा कमी आई है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी इंक्वायरीज आ रहे हैं और बुकिंग भी हो रहे हैं और कन्फर्म भी हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बार काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। हाँ जी, इस साल मुझे आशा है कि इस साल जैसे लद्दाख का भी ड्यूटी बन गया दो साल पहले, तो उसके बाद जो है लोग ये कोविड आ गया, अब इस साल अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर भी जैसे काफ़ी अच्छा टूरिज्म की तरफ से काफ़ी लद्दाख को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो साथे में जो है बहुत अच्छा स्टॉल बनाया और सारे काफ़ी 40-50 एजेंट्स और होटेलियर्स को यहाँ पे बुलाया लद्दाख को सेल करने के लिए, और उसके साथ साथ लेह में भी इस साल लद्दाख विंटर कंक्लेव हुआ, उसमें काफ़ी एजेंट्स को बुलाया गया और ये कोशिश किया गया कि मैसेज देने के लिए बाकी पार्ट इंडिया के बाकी पार्ट्स को कि लद्दाख रेडी है अभी टूरिज्म के लिए, तो आप लद्दाख आ सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी सीजन तो शुरू हो गया है। यूटी बनने के बाद में और पहले क्या अंतर देखते हैं आप टूरिज्म सेक्टर को? टूरिज्म सेक्टर में आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे यूटी जब नहीं बनता था तो जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से जगह मिलता था, एक टेबल बड़ी मुश्किल से मिलता था जी। तो अभी इतना अच्छा स्पेस और इतना अच्छा स्टोन बना है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा वो हुआ है, और फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लगता है कि यूटी के कारण जो है लद्दाख को काफ़ी अच्छी तरह से प्रमोट होगा और अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स को भी अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा और उसको मार्केट किया जाएगा। तो मोदी सरकार सही काम कर रही है आपकी नज़र में? मोदी है तो मुमकिन है।